कल हमने क्या पढ़ा था सी लैंग्वेज में? मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं सर। हाँ हाँ दिख रहा है। नो सर। अब दिख रहा होगा है ना? तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया। मेन फंक्शन से पहले जो भी डिक्लेरेशन करते हैं उसको ग्लोबल डिक्लेरेशन कहते हैं। फिर मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया। मेन फंक्शन जब हमने स्टार्ट किया तो हमने पहले मैसेज दिया मेन फंक्शन स्टार्टेड, फिर शो फंक्शन को कॉल किया, फिर हमने मैसेज दिया दिस इज़ द लास्ट स्टेटमेंट। एग्जीक्यूशन कैसे होगा? मेन फंक्शन पहले चालू होता है तो सबसे पहला आउटपुट ये आएगा, उसके बाद शो फंक्शन कॉल होगा, मतलब यहाँ सीधा एग्जीक्यूशन यहाँ आ जाएगा, ये मैसेज देगा हेलो वर्ल्ड इन शो फंक्शन, फिर वापस मेन फंक्शन में आ जाएगा, फिर ये दिस इज़ लास्ट स्टेटमेंट ऑफ मेन फंक्शन आपको मैसेज देगा। ये इसका आउटपुट है कल जैसे हमने देखा था, ठीक है? तो इस तरह से इसका एग्जीक्यूशन जो है वो होगा। आउटपुट देखिए, ये देखिए आउटपुट दिखा? यस सर। आउटपुट दिखा ना? तो इस तरह से आपका एग्जीक्यूशन होगा है ना? ये रहा प्रोग्राम, ये रहा आउटपुट। हेमू नमस्कार सर। नमस्कार सर। बारह बताओ, शर्मा सर को बताया उनके लैपटॉप में सेट कर दिया। कैसे करना है बताओ ना, स्टार्ट कैसे करते हैं? बताऊंगा ना, क्लास ले रहा हूँ। अरे क्लास ले लीजिए, ज़्यादा समय लगता है क्या? आधा घंटा लगेगा। शाम को मिलो ना, कितने बजे आऊँ बताओ? यही कॉलेज आते एनी टाइम। अभी दो क्लास है मेरा, 3 बजे के बाद एनी टाइम। 4:30 तक आ जाइए। ठीक है, 4 बजे आइए। 4 बजे आओ। हाँ तो उसके बाद क्या है, फिर घर चले जाते हैं ना 5 बजे तक। ठीक है ठीक है। मेरे पास लैपटॉप नहीं है फिर कैसे करेंगे? वीडियो बना देंगे। आज जैसे आप शर्मा सर के उसमें बैठेंगे ना, मैं बताऊँगा। मैं कहाँ बैठ पाऊँगा सर, आवाज़ नहीं आ रहा है आपका। तो फिर मिलिए ना, मैं अपने लैपटॉप में बता दूंगा कैसे करना। किसी को आ रहा है क्या आवाज? चलो तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन। आज के क्लास में हम देखेंगे हाउ टू डिफाइन वेरियस फंक्शंस, ठीक है? अलग अलग फंक्शंस हम कैसे डिफाइन करेंगे एंड हाउ टू डिफाइन पैरामीटराइज्ड फंक्शन करते हैं। हाउ टू डिफाइन पैरामीटराइज्ड फंक्शंस एंड फंक्शन कॉलिंग, ठीक है? इतना चीज आप डिस्कस करेंगे। हेमू जो भी सिस्टम ले जाएगा एक प्रिंट निकालो 1 2 3 4 5 और उसमें कॉलेज का सील लगाओ, उसको अच्छे से चिपका देना और देख लेना क्या क्या पार्ट। तो दुर्गे सर फोन क्यों होंगे कल? तो उसे एक बार बात कर लीजिए और आइडेंटिफाई करते हुए देना सिस्टम को। मैं जाऊँगा बोलता हूँ राजेश, मैं जाकर के मदर बोर्ड फिट करके जाऊँगा बोलता हूँ, 18 से ले जाऊँगा बोलता हूँ जितना मदर बोर्ड फिट करेगा। ठीक है अब देखो। हाँ देखो, चलो अब मैं बताता हूँ पहले हम अपना फंक्शन कैसे बनाएंगे। एक दो एग्जांपल, जैसे कल के क्लास में हमने देखा था फैक्टोरियल फंक्शन, फैक्टोरियल का प्रोग्राम हमने बनाया था
तो इस प्रोग्राम को हम कैसे फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो ये फैक्टोरियल का लॉजिक कितना है, इतना है, फैक्टोरियल का लॉजिक कितना है, इतना है, ठीक है? तो हम इसको कैसे कंस्ट्रक्टर में, उसमें फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना दूँ void मान लीजिए यहाँ मैं एक फंक्शन बना दूँ void fact नाम से फंक्शन बना देता हूँ, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब बनाता हूँ अपना void main। अब void main में क्या करेंगे, ये जो पूरा लॉजिक है, पूरा लॉजिक है उसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर void fact फंक्शन में पूरे लॉजिक को क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पर क्या कॉल करता हूँ, fact फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, ठीक है? तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, कॉलिंग fact फंक्शन, ठीक है? हम उस फंक्शन को यहाँ लिख रहे हैं सेमी कॉलन दे करके, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और प्रोटोटाइप क्या होता है किसी भी फंक्शन का, उसका रिटर्न टाइप, उसका नाम, ये उसका प्रोटोटाइप होता है। ऐसा सेमी कॉलन दे दिया और यहाँ पर मैंने रिटर्न टाइप नहीं लिखा, इसका मतलब मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। समझ में आया इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ क्योंकि मैं रिटर्न टाइप दिया हूँ void, तो क्या हुआ इसका मतलब कि मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया, क्या किया, ग्लोबल डिक्लेरेशन। समझ में आया बच्चों, ये होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। और जहाँ पर मैंने क्या कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन इस तरह से कॉल किया, तो इसको क्या कहते हैं, कॉलिंग फंक्शन। यहाँ क्या है डेफिनेशन, ये क्या है, इस फंक्शन का डेफिनेशन है, ठीक है? अब पूरा जो मेरा लॉजिक था मेन फंक्शन का, मैंने क्या कर दिया, फैक्ट फंक्शन में दे दिया कि हम एक नंबर इंटर करेंगे, फिर उसका फैक्टोरियल निकालेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है? तो ये फंक्शन के थ्रू हो गया फैक्टोरियल का काम, ठीक है? अब ये कैसे होता है ये देखते हैं, रन दिख रहा है, कोई भी नंबर इंटर कीजिए, ले लीजिए उसका फैक्टोरियल। तो जो प्रोग्राम मैं बिना फंक्शन के बना रहा था, बिना यूजर डिफाइंड फंक्शन के, मेन फंक्शन में ही दे रहा था पूरा काम, वही किस में हो रहा है, फैक्ट फंक्शन में हो रहा है। समझ में आया, मैंने क्या किया, पूरा का पूरा लॉजिक जो मेन फंक्शन में लिखा था, पूरा कोड मैंने फैक्ट फंक्शन में दे दिया। इस तरह से हम एक फंक्शन बना सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। ये वैसे ही है जैसा कि हमने कल किया था, ऐसा। समझ में आया बच्चों? यस सर, यस सर। आप लोगों को क्या पता? यस सर। सर। हाँ। फैक्टोरियल नाम। हेलो। कुछ नहीं पूछना क्या जी? सर एक बार प्लीज बताना सर। सर नाइन का फैक्टोरियल निकाल के बताइए ना। क्या नंबर, नाइन या टेन का फैक्टोरियल निकाल के बताइए। लीजिए नाइन, ये लीजिए नाइन का फैक्टोरियल, ठीक है? अलग अलग कोई भी नंबर का ले सकते हो। ये लीजिए टेन का फैक्टोरियल, अच्छा वन ही हो गया। ये लीजिए टेन का फैक्टोरियल, ठीक है? तो ऐसे होता है। तो ये हो गया। अब आते हैं अपना नया दूसरे टॉपिक की ओर, वो है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है?
डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब इसमें चार वैरायटीज होती हैं अलग अलग, ठीक है। पहला होता है नन रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर फंक्शन। देखो एक चीज और मैं बता दूं, कल जैसे मैंने बताया था किसी भी फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या है, ये है। किसी भी फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है, ये प्रोटोटाइप मतलब बताता है कि एक फंक्शन कैसा होता है। तो कैसा होता है फंक्शन, फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है, ठीक है। रिटर्न टाइप क्या होता है, डेटा टाइप होता है। फिर हम फंक्शन का नाम देते हैं, जैसा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही रूल फंक्शन डिफाइन के लिए यूज़ होता है। और क्या देते हैं, पैरामीटर लिस्ट या आर्ग्यूमेंट लिस्ट इसी को कहते हैं। तो मैंने क्या बताया, पहले टाइप का फंक्शन क्या है, नन रिटर्न टाइप या नो रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर फंक्शन। तो ये देखो इसमें नन रिटर्न टाइप मतलब वॉइड होता है। नन रिटर्न टाइप मतलब क्या हुआ, वॉइड। वॉइड यहां पर हमको क्या बताता है, नल बन नहीं, यहां पर मैं लिख देता हूं वॉइड tells that a main function that not return again value, ऐसे करके ना सर। हाँ very good, that the function does not return any value। अब return का मतलब क्या होता है, return मतलब होता है कि memory में एक value अपने नाम के आगे store करके रखना। ये कैसे होता है मैं समझा देता हूँ, एक मिनट है ना। जब कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो क्या होता है मेमोरी में, वो मैं समझाता हूँ, एक मिनट है ना। होता क्या है, फंक्शन का एक नाम होता है, जैसे मैंने यहाँ फैक्ट फंक्शन दिया, उस नाम के आगे कोई वैल्यू स्टोर होगा कि नहीं होगा ये क्या बताता है, रिटर्न टाइप, ठीक है। तो किसी फंक्शन में क्या होता है, रिटर्न टाइप। तो किस टाइप का डेटा टाइप है वो बताता है, उसमें वैल्यू होती है। फिर क्या होता है, लोकल मेंबर वेरिएबल होते हैं। लोकल मेंबर वेरिएबल क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने I, F, N ये जो बनाया है उसको क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल या मेंबर, ठीक है। उसके लिए अलग मेंबर बनती है। फिर एड्रेस ऑफ कॉलिंग फंक्शन, एड्रेस ऑफ कॉलिंग फंक्शन का मतलब समझते हैं, ये कौन कॉल कर रहा है, जैसे मेन फंक्शन का एड्रेस, एड्रेस ऑफ मेन फंक्शन, जो कॉल कर रहा है उसका एड्रेस होता है, तभी तो वापस जाता है ना। इसका एग्जीक्यूशन मैंने कैसे बताया, पहले मेन फंक्शन चालू होगा फिर फैक्ट को कॉल करेंगे, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा फिर वापस मेन फंक्शन में आता है, जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने कल समझाया था आपको। तो इसलिए क्या करते हैं, इसका एड्रेस वो स्टोर करके रखता है ताकि वो वापस जा सके, ठीक है। यस सर। होता है एड्रेस ऑफ कॉल्ड फंक्शन। कॉल्ड फंक्शन मतलब मान लीजिए ये किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा तो उसका एड्रेस, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर मैंने दे दिया एक दूसरा फंक्शन ऐसे, और दूसरा फंक्शन मैंने ऐसे बना दिया ऐसे, तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा तो ये भी कॉल करेगा, ये कॉल करेगा तो ये एग्जीक्यूट होगा ऐसा। तो ये जिस फंक्शन को कॉल करेगा उसका भी तो एड्रेस स्टोर करके रखेगा, ठीक है।
तो इस तरह से जो है इसकी वैल्यूज जो है स्टोर होती है मेमोरी में, समझ में आया? तो यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न करेगा वहाँ रहेगा। अब यदि ये void टाइप है तो void का क्या मतलब हुआ? नो वैल्यू। void का क्या हुआ? नो वैल्यू। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिख करके बताया क्या void tells that the function does not return any value, कि ये जो फंक्शन है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इसलिए void में भी हम main में भी void लिखते हैं, ठीक है। तो ये होता है पहला टाइप। पहला टाइप क्या लिखे? नो रिटर्न टाइप, दैट मीन्स void, एंड विदाउट पैरामीटर। विदाउट पैरामीटर का मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, समझ में आया? ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, मतलब वो भी void रहता है जनरली। दूसरा होता है नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर का मतलब क्या होगा, इसको मैं एग्जांपल के साथ साथ समझाते जाता हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, void show। यहां लिख देता हूं void show, या fact फंक्शन कोई लिख देता हूं, fact int, ठीक है, ऐसा। अब यहां पर int देने का क्या मतलब हुआ? int देने का मतलब हुआ कि यहां एक integer पैरामीटर होगा, ठीक है। कैसे होगा? अब इसको मैं प्रोग्राम बना के बताता हूं। जैसे एक नया प्रोग्राम बनाते हैं अपन, यहां पर फैक्ट दे दिया इंट, ठीक है, इंट दे दिया, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट। अब यहां पर क्या करेंगे, पहले हम पूछ लेते हैं क्या इंटर एनी नंबर, ठीक है, फिर स्कैनएफ कर लेते हैं, परसेंट डी एड्रेस ऑफ एन दे देते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास एक n इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इस फैक्ट फंक्शन को n वैल्यू पास कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम फैक्ट फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पर इंटीजर एक वेरिएबल ले लिए, ठीक है, num वेरिएबल ले लिए, और जो लॉजिक हमने क्या किया था फैक्टोरियल के लिए बनाया था, क्या किया था, i इक्वल टू वन और f इक्वल टू वन, ठीक है। फिर वाइल लूप हमने लगाया था, कहाँ तक चलेगा, i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू नम तक चलेगा, ठीक है, कहाँ तक चलेगा, नम तक। और फिर हम क्या करेंगे, f इक्वल टू f इंटू i, फिर i प्लस प्लस, और यहाँ पर हम क्या दे देंगे, मैसेज प्रिंट एफ, फैक्टोरियल इज इक्वल टू परसेंट डी एफ, ऐसा, ठीक है। अब हुआ क्या, ये वैल्यू कोई रिटर्न तो नहीं कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है, पैरामीटर ले लिया है, विथ पैरामीटर हो गया, ठीक है। तो हम मेन फंक्शन से डेटा इनपुट करेंगे और कॉल करेंगे इस फंक्शन को बाय गिविंग और पासिंग वैल्यू। इसको कहते हैं पासिंग पैरामीटर।
ठीक है, हियर इट इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। समझ में आया? एक्चुअल मतलब एक्चुअल वैल्यू हम पास करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। और यहां पर क्या हो गया, एक वेरिएबल बनाए नम इज फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है, ये क्या कहलाता है, फॉर्मल पैरामीटर। बिकॉज क्यों, क्योंकि बिकॉज वैल्यू ऑफ एन इज कॉपीड टू नम, मतलब ये हुआ बेटा यहां पर कि एन के जो वैल्यू है किसको कॉपी हो रहा है, नम को। तो नम को जो वैल्यू रन टाइम इंटर करेंगे, मान लीजिए 5 देंगे, तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। क्यों, क्योंकि हम यहां नम दे रहे हैं, एन की वैल्यू जो भी देंगे वो एज इट इज क्या होगा, इसको चले जाएगा, क्योंकि हम यहां कॉल कर रहे हैं, तो कॉल करते समय जो वैल्यू देंगे वो यहां आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है सर, वैल्यू पास हो जाते हैं। यस सर, पास होता है ना, इसीलिए तो लिखा हो पासिंग पैरामीटर। तो ये एन जो है एक्चुअल पैरामीटर हो गया, और नम क्या हो गया हमारा, फॉर्मल पैरामीटर हो गया। अभी मैं इसका थ्योरी लिखवाऊंगा, अब इसको मैं रन करके दिखा रहा हूं। ये लीजिए फैक्टोरियल इज 24। तो इस तरह से इसका एग्जीक्यूशन जो है वो होगा। तो ये किस टाइप का फंक्शन हुआ, नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर, ठीक है। दूसरा जो होगा फंक्शन, एक मिनट है ना, रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, ठीक है। मतलब ये होगा बेटा यहां पर कि आप जो है यहां पर दे दीजिए इंट फैक्ट ऐसा, ठीक है। और चौथा होता है रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। सबका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा एक एक करके। यहां पर कैसे होगा, इंट फैक्ट इंट, मतलब ये है कि यहां पर कोई पैरामीटर नहीं है लेकिन रिटर्न टाइप है, यहां पर रिटर्न टाइप भी है और पैरामीटर भी है ऐसा। तो ये चार तरह का यूजर डिफाइंड फंक्शन हम यूज करते हैं। फिलहाल मैं दो तरह का बताया हूं, ठीक है। अब मैं लिखवाता हूं एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है और फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है। चलो हेडिंग दीजिए, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज एक्चुअल पैरामीटर। लिख लिए बच्चों, लिखो व्हाट इज एक्चुअल पैरामीटर। हिंदी वाले पहले लिखो, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। सर आ रही सर। हाँ लिखो लिखो बच्चों लिखो। लिखिए, एक्चुअल पैरामीटर वह पैरामीटर होता है, एक्चुअल पैरामीटर वह पैरामीटर होता है जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, जब हम फंक्शन कॉल करते हैं
तब इसका उपयोग करते हैं। तब इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यह वह पैरामीटर होता है जहां पर इसका उपयोग फंक्शन कॉलिंग में करते हैं। फंक्शन कॉलिंग लिखे ना। अब फंक्शन कॉलिंग yes, का जैसे एग्जांपल के लिए लिख सकते हो यहां पर मेन फंक्शन में जब किसी फंक्शन को कॉल करेंगे, मेन फंक्शन में जब किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तब हम पैरामीटर दे रहे हैं। जैसे यहां पर फैक्ट में n, हियर n इज एक्चुअल पैरामीटर, हियर n इज एक्चुअल पैरामीटर, इस एग्जांपल को लिख सकते हो। ठीक है, पर एग्जांपल को और रिपीट कर ले तो ये देखिए एग्जांपल में यहीं पर लिख देता हूं। अब इंग्लिश वाले नोट कर लेना। इट इज द पैरामीटर यूज्ड टू कॉल अ फंक्शन, यूज्ड टू कॉल अ फंक्शन। ठीक है, आगे हिंदी मीडियम वाले लिखो। हिंदी मीडियम वाले, एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू, एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होता है, फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होता है। इंग्लिश में लिखो, द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड टू फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, इज कॉपीड टू फॉर्मल पैरामीटर। जैसे एग्जांपल मैं यहां लिख दिया void main function, यहां मैं कॉल कर रहा हूं fact n दे करके, यहां पर int n इक्वल टू 5 दे दिया। ठीक है, ऐसा। ठीक है, और यहां लिख दिए void fact int num, just समझाने के लिए इतना। ठीक है, अब यहां पर हम दे सकते हैं हियर, आप लोग हिंदी वाले लिख सकते हो यहां पर n इज एक्चुअल। मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन आएगा तो आंसर कैसे लिखना है, समझ में आ रहा है बच्चों? मान लीजिए क्वेश्चन आ गया दो नंबर चार नंबर जितना भी, तो आपको क्या करना होगा, इतना समझाना पड़ेगा। ठीक है, हियर n इज एक्चुअल पैरामीटर एंड num इज फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ, हिंदी में लिखना, क्योंकि n की वैल्यू num में कॉपी हो रही है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ n इज कॉपीड टू num। ठीक है, इतना नोट करो। चलो यहीं पर मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, व्हाट इज फॉर्मल पैरामीटर, आप लोग हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएगा ना। चलो हिंदी वाले लिखो फॉर्मल पैरामीटर का आंसर। फॉर्मल पैरामीटर इज यूज्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन। अरे हिंदी में लिखना है क्या? Yes. अच्छा
फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन डेफिनेशन में यूज होता है, इसकी वैल्यू फिर से फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन डेफिनेशन में यूज होता है, और इसकी वैल्यू एक्चुअल पैरामीटर से कॉपी होके आती है, ठीक है। अब इंग्लिश वाले लिखो, इंग्लिश वाले हैं कि नहीं है, जी नहीं है क्या? फिर भी बता देता हूं, इट इज यूज्ड इन फंक्शन डेफिनेशन, ओके, इट इज यूज्ड इन फंक्शन डेफिनेशन एंड इट्स वैल्यू इज कॉपीड फ्रॉम एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में दोनों को एक साथ मैंने बता दिया, हियर नम इज फॉर्मल पैरामीटर एंड एन इज एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एन इज कॉपीड टू नम। क्लियर हुआ बच्चों? इतना क्लियर हुआ कि नहीं जी? क्लियर है। ठीक, एग्जाम्पल अब देखते हैं, इसी प्रोग्राम को अब तीसरे तरीके में बताता हूँ। तीसरा तरीका क्या है? तीसरे टाइप का फंक्शन हमारा रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, ठीक है, रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, लॉजिक तो हमने पूरा यहाँ इसमें लगाया है, लेकिन क्या करेंगे हम इसमें रिटर्न टाइप दे देते हैं। नया फंक्शन बना देता हूँ, ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, यहाँ इंट कर देता हूँ, तो वॉइड लिखा है वहाँ पर क्या हो जाएगा? इंट हो जाएगा, ठीक है। अब जो वैल्यू हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर इंट नम यहाँ लिख देता हूँ, तो फैक्टोरियल की वैल्यू में क्या हो जाएगा? नम में आ जाएगा, और यहां पर मैसेज दे देता हूं, ये फैक्टोरियल इज इक्वल टू नम, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक फंक्शन को कॉल किया, कोई पैरामीटर नहीं दिया, तो नो पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर हो गया, बट इट हैज सम रिटर्न वैल्यू, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो जहां पर रिटर्न डेटा टाइप देते हैं वहां पर रिटर्न कीवर्ड का यूज किया जाता है। क्या वैल्यू रिटर्न करेंगे? जो फैक्टोरियल है वो रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न मतलब होता क्या है कि ये अपने नाम के आगे एक वैल्यू स्टोर कर लेगा रिटर्न टाइप में, तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो फैक्टोरियल का रिजल्ट आएगा, और उस वैल्यू को हम किसको असाइन कर रहे हैं? जो भी फैक्ट का रिटर्न वैल्यू होगा हम नम को दे दे रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पर? प्रिंट कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ नॉन रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, ठीक है, सॉरी रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, यहाँ पर रिटर्न टाइप है इन, तो किसका एग्जाम्पल हुआ? रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, क्लियर। इसको रन करके देखते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 7 ले लीजिए, आ गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ दिस फंक्शन, दिस टाइप ऑफ
फंक्शन, ठीक है। अब बारी आती है लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन, क्या है, रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, ठीक है, रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। इसी प्रोग्राम को फिर इस तरीके में बना देता हूं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इंटीजर डेटा टाइप को रिटर्न भी करेगा और हम उसमें पैरामीटर भी पास करेंगे, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, ए कर देता हूं, तो यहां हो जाएगा ए इक्वल टू फैक्ट, ये कॉल करेंगे, फंक्शन रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, ठीक। तो ये मैसेज हम कहाँ देंगे, मेन फंक्शन में देंगे, क्योंकि मैसेज हम ले रहे हैं, ये वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा, कैसे रिटर्न करेगा, रिटर्न एफ, जो फैक्टोरियल वैल्यू है वो रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा तो हम उसको किस में ले लेंगे, ए में ले लेंगे, और ए को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास कर देंगे। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पर, कि हम एक वैल्यू इंटर कर रहे हैं मेन फंक्शन में, उसको दे रहे हैं फैक्ट फंक्शन को, फैक्ट फंक्शन में नम पे आया, हम यहाँ फैक्टोरियल रिजल्ट निकाले, उस रिजल्ट को किसको दे रहे हैं, यहाँ पर वापस मेन फंक्शन को पास कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम ए में उस वैल्यू को असाइन कर रहे हैं और ए को मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका आउटपुट, अच्छा यहाँ पर वाइड है, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंट, ये लीजिए इंटर एनी नंबर 6 फैक्टोरियल इज 720। क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसमें किसी तो बताओ, मैं ये सभी एग्जांपल्स आपके अभी ये पीडीएफ में भी डाल दूंगा, वर्ड में, नोट्स में, और दूसरा ये वीडियो भी शेयर कर दूंगा यूट्यूब का, ठीक है। यस यस सर, ओके। तो आज इतना ही, अच्छे से पढ़ाई करो आप, ठीक है। यस सर, यस सर, ठीक ठीक।